बाबा ये भोले बाबा की प्रतिमा रखी है यहाँ। देख कितने सारे घंटे टंगे हैं, ये मन्नत के घंटे टंगे हैं। जैसे किसी की मन्नत पूरी हो जाती हो वो बोल देते। ये देखिए यहाँ आए हैं हम लोग दर्शन करने मोटे के। आ जाओ तो कभी भी कोई भी मन दुखी है या कुछ भी टेंशन है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए मम्मी के भगवान रखे हुए, हम नहा के आ गए तो अंदर आए जल चढ़ाने के लिए। मम्मी के भगवान हैं राधा कृष्ण गोपाल जी, लक्ष्मी गणेश जी, गौ माता। देखो ये गायत्री मैया हैं, गुरु माता, गुरु, ये गुरु पिता गायत्री मैया के, गायत्री माता के, है ना, गुरु दीक्षा ली जाती जिनसे। ये गुरु जी, हाँ, इनके गुरु दीक्षा ली जाती। माँ लक्ष्मी जी, ये गायत्री माँ है। ये मम्मी का मैर का कमरा है, इसी में भगवान रखे, इसी में, हाँ, इसी में पूजा कर लेती। भाई तुमने नहा लिया है? हाँ, नहा लिया कि नहीं? नहाया, नहा लिया। चलो ठीक है, हम भी ऊपर जल चढ़ाए शंकर जी को, हम कुगा पे चढ़ाए शंकर जी बापा जी। हाँ चलिए दोस्तों, हम ऊपर के शंकर जी रखे हैं तो ऊपर भी दिखाएंगे, अभी जल चढ़ा जा रहे। ये देखिए मम्मी स्टूल में बैठ जाती हैं, इस तरह बैठ के पूजा करती, क्योंकि घुटने नहीं मोड़ पाती ना, मम्मी के घुटनों की प्रॉब्लम है। ये देखिए अब इस तरह बैठ के पूजा करेगी। लाओ मम्मी अगरबत्ती ऊपर के लिए, जे वाली रखना, डिब्बी में रख, जो छोटी वाली अगरबत्ती ऊपर रखना है शंकर जी पास। तो चलिए चलते ऊपर। ये देखो आराम से मोबाइल चला रहे हैं, अब दुकान उकान तो खोलना नहीं है तो बैठे आराम से मोबाइल चला रहे। ये आ गए हैं दोस्तों ऊपर, ये गेट बंद है, गेट खोले, ये आ गए इधर। ये रखे हैं भोले बाबा, देखिए ये ऊपर के पोर्शन में मंदिर बना है। ये कुछ थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे हैं, पहले जब हम लोग बचपन में थे तब तो इतने पेड़ पौधे, इतने गुलाब खिलते थे, इतने गुलाब, लोग नीचे से चलते थे ऊपर निगाह करके देखने लगते तो गिर तक जाते थे। क्या है, पहले पापा केयर कर लेते थे, अब पापा भी बुढ़े हो गए, मम्मी भी बुढ़ी हो गई, अब किसी का किया नहीं होता। भैया लोग बाहर हैं दोनों सर्विस में, हम लोग की भी शादी हो गई, अपने अपने घर चले गए, तो अब पेड़ पौधों की कोई केयर नहीं है। तो बिल्कुल देखिए मीठी नीम कैसे सूख गई है, पानी नहीं पड़ा, पता नहीं किस बात के कारण। ये केला लगाए हैं, ये भैया लोग के कमरे हैं, ये एक भाई का, वो दूसरे भाई का, सब गंदा संदा पड़ा रहता, कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई देखभाल ही नहीं कर पाता यहाँ की, तो डला रहता सब इसी तरह। मम्मी है उनका भी नहीं किया होता, देखिए किस तरह कबाड़ भरा है। अब इसको नए ढंग से बनवाते भी, लेकिन इसी वजह से नहीं बनना, भैया लोग को रहना नहीं है, जब आएंगे तब देखा जाएगा। चलिए दोस्तों हम शंकर जी की पूजा कर दें, भोले बाबा की घंटी लगी हुई है, जय हो भोले बाबा। ये देखिए दोस्तों पूजा हो गई है, अब चल रहे हैं नीचे। यहाँ ये समोसा जलेबी लाए, तो अपना तो घर है, चाहे जैसे खाओ चाहे जैसे रहो, तो ऐसे निकाल को खाने लगे, पापा भी है नहीं। दोस्तों मम्मी पूजा कर रही हैं, पापा है नहीं, ये आराम से बैठे देखिए मोबाइल चला रहे, नाश्ता ले आए हैं तो ये समोसा खा रहे। अब तो अपना घर है, मस्ती करो, बढ़िया आराम से रहो, चाहे जैसे खाओ पियो, चाहे जो कुछ करो खाए। जलेबी है, समोसा, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए यहाँ आ गए हैं छतरपुर में शॉपिंग करने, इनके यहाँ से क्या क्या लिया अपन ने, हाँ ये टॉर्च वगैरह ली है, ये रखा है सामान जो लिया है भैया जी की दुकान से, ये सारा सामान।
यहाँ बेल्ट, चश्मा, घड़ी, टोपी, खिलौने सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी गुड़िया रखी हैं। हो गया नहीं, हम गुड़िया देख रहे हैं। देखो कितनी सुंदर सुंदर गुड़िया रखी हैं। हाँ, उसके पास एक से एक है। ले ले का एक आध। अच्छी देख रहे हैं तो। कितने की है ये? पता ही नहीं, हम उसमें पड़े होंगे प्राइस। ये देखिए पूरे खिलौने ही खिलौने रखे हैं। अक्ति तो हमें लग रहा कल ही है। देखो हम मार्केट से आए, मम्मी ने खाना बना के रख लिया था। सूरन की सब्जी है, रोटी है। हम मम्मी को मना कर गए थे खाना नहीं बनाना, कुछ भी खा लेंगे ऐसे। देखिए सूरन की सब्जी रोटी, मार्केट से आए तो भूख लगाई। चलिए आज तो मम्मी के यहाँ खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। हमारी लक्ष्मी को दे रहे सूरन की सब्जी बनाई मम्मी ने मस्त, और रोटियाँ। ये देखिए लेट गए हैं थोड़ी देर, क्योंकि थक गए थे। सुबह से मार्केट करने चले गए, बैग वगैरह खरीदे, टॉर्च वॉर्च है, पर्स वगैरह ये सब खरीदा। अब ये चले गए हैं गाड़ी सर्विसिंग करवाने। हम खाना खा के थोड़ा सा लेट गए, रेस्ट कर लें, फिर से शाम को मार्केट जाएंगे। अब रुके हैं तो कुछ शॉपिंग करें, अपने लिए तो कोई शॉपिंग नहीं कर पाते क्योंकि रुकते ही नहीं हैं और थक जाते पूरे दिन लगातार घूम घूम के। चुप रहो। ये आ गए पापा जी, घुमाए पापा जी अच्छे से हैं पापा। तो क्या हुआ बनियान पहने? अच्छा कैसा रहा तुम्हारा टूर? जबरदस्त, एकदम मस्त। पापा जी घूमने गए थे अयोध्या जी वगैरह, घूम के आ गए। अभी सुनाई नहीं दिया उन्हें तो जवाब नहीं मिला। काशी, बनारस, हाँ गला खराब हो गया इनका, इसलिए बोल नहीं रहे। थक भी गए हम बहुत। अयोध्या जी गए थे, काशी बनारस गए थे, और कहाँ गए थे अक्षत? काशी बनारस, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद भी गए थे। अच्छा चित्रकूट नहीं गया? गए थे चित्रकूट, गए थे। महावीर, ये मुख्य गेट है, यहाँ से जाएंगे अंदर। मंदिर तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, इस वजह से कहीं नहीं आ पाते। लेकिन रात में हमने इनसे बोला कि चलो दर्शन कराते हैं। ये देखिए ऊपर का व्यू। मुख्य द्वार से अंदर आए, फिर यहाँ से मंदिर के अंदर जाएंगे। ये घंटा लगे हैं। हवन वेदी बनी है। ये देखिए मतलब पर्दा गिरा है, भगवान का पर्दा नहीं खुला, मंगल और शनिवार को खुलता है हनुमान जी का पर्दा। चलिए बाहर से ही दर्शन कर रहे। ये शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ देख कितने सारे घंटे टंगे हैं, ये मन्नत के घंटे टंगे हैं। जैसे किसी की मन्नत पूरी हो जाती और वो बोल देते तो घंटा चढ़ा आते। फिर देखिए कितने बजनी बजनी घंटे टंगे हैं। यहाँ ये विश्राम गृह बना हुआ है, जैसे किसी को रात रुकना है तो यहाँ बैठे आराम से, खाना पीना कुछ होना, भंडारा वगैरह तो यहीं होता है, फैन वगैरह सब कुछ लगे हैं। ये देखिए गेट बंद है। संत शरीर महाराज जी के ये आश्रम बना है और यहाँ देवी माँ की प्रतिमा बैठी हुई है। ये देखिए गेट बंद है अभी। ये देखिए भगवान के पट बंद हो गए, सो गए भगवान, लेकिन विंडो से देख लेंगे। महाराज जी की कृपा हो गई। ये राधा कृष्ण जी की प्रतिमा देख रहे, बढ़िया देख रहे। हाँ पंडित जी आए हैं ऊपर, फिर उन्होंने खिड़की से दर्शन करवा दिए।
ये देखिए वहाँ कहीं मंदिर है तो उसकी घंटी की आवाज आ रही, आरती हो रही होगी उस साइड के मंदिर की। चलिए यहाँ से नीचे उतरते हैं। अब ऊपर चढ़ के आए थे राधा कृष्ण के मंदिर। एक ये माता रानी का मंदिर है, देखिए माता रानी की प्रतिमा बैठी हुई है। लेट हो गए हम लोग तो, पट बंद होने लगे हैं मंदिर के। ये देखिए देवी माँ का हमें प्रसाद मिल गया है, सुहाग का सामान है, सब भगवान की कृपा से मिलता है, देवी मैया की कृपा थी तो मिल गया। ये देखिए शरीर महाराज जी के दर्शन है मंदिर, ये शरीर महाराज जी के दर्शन हो रहे। क्या है गेट बंद है तो यहीं से दर्शन कर रहे हैं। जय वो भगवान। ये देखिए भोले बाबा के दरबार में आ गए हैं, कलश भी चढ़ गया है उनको। आप सब लोग दर्शन करिए भोले बाबा के। ये नांदिया जी बैठे हुए हैं, इधर देवी मैया की प्रतिमा रखी हुई है, देवी जी बैठाई जाती है यहाँ। ये देखिए यहाँ दूसरे मंदिर आए हैं, शंकर जी का मंदिर, कलश चढ़ गए हैं। ये नांदिया ऊपर घंटे लगे हैं। ये संतोषी माता का मंदिर है तो अब पट बंद हो गए हैं माता रानी के, क्योंकि लेट हो गए ना हर जगह। चलिए अब चलते हैं, सामने तालाब बना है तो वो दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ तालाब है, ये रात का टाइम है, वहाँ बीच में जो लाइट जल रही वहाँ कुआं था पहले, अब शंकर जी बिठा दिए हैं वहाँ। उसमें शंकर जी की प्रतिमा बैठी हुई है, समझ में नहीं आ रही है, रात में दूर पड़ रहा ना। चलिए दोस्तों यहाँ कुछ देर बैठते हैं पट्टी में तालाब के पास। ये देखिए बैठने के लिए रखा है, तख्त वगैरह रखे हैं चारों तरफ, उस साइड भी रखे हैं। ये पीपल का पेड़ लगा है, बरगद का है। इधर तालाब बना, उस साइड मंदिर बना, इस घर के उस साइड को तलैया बनी है, तो वो रानी तलैया कहलाती थी, उस साइड को बनी। अब ये घर अर बन गए तो नहीं समझ में आती, चारों तरफ घर बन गए, पहले दिखाई देती थी उस पार रानी तलैया, इस साइड राजा ताला। ये राजा तालाब कहलाता है और उस रोड के उस पार रानी तलैया कहलाती है। ये मंदिर बना है बीच में, ये रोड गई है तो ये जाके यहाँ से घूम के सीधी रोड चली जाती, फिर पन्ना रोड में मिल जाती है, ये मेन रोड से मिल जाती पन्ना के।
चलिए दोस्तों थोड़ी देर यहाँ हवा में बैठे हुए हैं तालाब के पास, अच्छा लगता है इधर आ जाओ तो। कभी भी कोई भी मन दुखी है या कुछ भी टेंशन है तो सिटी में तो यही होता है, निकल आओ मंदिर अंदर घूमने अपना, कहीं भी पार्क आर्क चले जाओ। अब ज़्यादा तो नहीं घूम पाएंगे कहीं क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, फिर कभी आएंगे तब आप लोग को दिखाएंगे और मंदिरों में। तो चलिए दोस्तों यहीं से अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।